हेलो स्विमर्स, देखिए एक कमेंट आया था कि सर जैसे हम लोग हैंड स्विमिंग कर रहे हैं, जैसे हैंड मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं तुरंत हम लोग की बॉडी सिंक हो जाती है या डिसबैलेंस हो जाती है। तो देखिए मैंने अभी कल या परसों एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि जब भी आप स्विमिंग कर रहे हो तो अपने चिन को अपने चेस्ट के पास प्रेस करना है जब भी हेड डाउन कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोग का फेस क्या होता है जब भी वो लोग स्विमिंग करते हैं वो इस तरह होता है, ये ठीक है, इस तरह नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसको प्रेस करना है तो आपका हेड थोड़ा सा और डाउन हो जाएगा, ये ठीक है। इतना डाउन अगर हो रहा है तो आपका जो स्पाइन होता है ना वो एक सीधे पोस्चर में आने की मतलब वो पोस्चर में आने लगता है, देन क्या होता है बॉडी आपकी स्टेबल हो जाती है एंड जो लोअर बॉडी सिंक होती है वो, क्योंकि आपके स्पाइन से ही जुड़ा होता है तो जब स्पाइन अगर सीधी हो रही है तो वो भी ऑटोमेटिक ऊपर आने लगती है। एक तो ये होता है, इस पर वर्क करिए। दूसरा क्या है कि जैसे ही आप यहाँ से वॉल पुश कर रहे हैं तो तुरंत स्विमिंग करने का कोशिश मत करिए, ठीक है। तुरंत स्विमिंग करने की कोशिश करेंगे तो बॉडी स्टेबल होने से पहले ही वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगी। तो अनस्टेबल हो जाएगी देन फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा स्विमिंग करने में। तो हमेशा क्या है, वॉल से पुश करिए, चिन को चेस्ट पे दबाइए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, बॉडी जब सीधे हो जाए देन स्विमिंग अपनी स्टार्ट करिए। एक ये एक मेथड होता है, ठीक। और एक सबसे जो, अगर जैसे आप लोग को स्विमिंग पता है कि आप लोग की स्विमिंग सही है, ठीक, और लेकिन हैंड मूवमेंट जैसे कर रहे हैं तो उसी समय अनस्टेबल हो रही है, तो आप लोग क्या करिए, ये ले लीजिए स्नॉर्कल, ठीक है, इसको बाई कर लीजिए। इसको बाई करने से क्या होगा ना, आपका हेड मतलब परमानेंट डाउन ही रहेगा और आप स्विमिंग करके अपना स्ट्रोक और इम्प्रूव कर पाएंगे। वो कुछ इस तरह होता है, इसको कुछ इस तरह पहना जाता है, ठीक है, ये इस तरह रहेगा। जितना आपको टाइट करना हो टाइट कर लीजिएगा, इसको बाई करना, ये सबसे मुझे सही लगा, ना ज़्यादा महंगा है और ना ज़्यादा मतलब और मतलब सीखने के लिए सबसे बेस्ट है। तो इसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, अगर आपको सही लगेगा तो बाई कर सकते हैं। तो इसका जो माउथ वाला होता है इसमें ऐसे बना रहता है ग्रिप के लिए, आप पास से देख रहे होंगे कि यहाँ ग्रिप के लिए बना हुआ है, तो इसको ऐसे मुंह में दांत से दबाना रहता है। बहुत लोग इसको मुंह में भर लेते हैं, वो गलत होता है, फिर पानी चला जाता है, तो इसको दांत से इस तरह दबाना है, इस तरह दबा के काफ़ी कस के इसको पकड़ लेना है और इसको छोड़ना है, इसको ढीला नहीं छोड़ना है, और फिर सिर्फ मुंह से ही इनहेल करना है, मुंह से ही एक्सहेल करना है, क्योंकि ये पानी के ऊपर रहेगा, ये कुछ इस तरह होगा। पानी नहीं जाता मुंह में, पानी नहीं जाता, तो पानी नहीं जाता। और अगर आप लोग को डर हो रहा होगा कि सर नाक से भी इनहेल कहीं ना हो जाए पानी के नीचे, तो आप क्या करिए कि नोज क्लिप लगा लीजिएगा। नोज क्लिप किस तरह लगेगी, नोज क्लिप क्या है, मतलब ये जो ये स्पीडो की है, ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको आप लोग लगा लीजिएगा, इसको आप लोग नोज पे जब लगा लेंगे तो फिर आप लोग सिर्फ माउथ से ही इनहेल और एक्सहेल करेंगे, ठीक है। तो वैसे मुझे इसकी जरूरत पड़ती नहीं है तो मैं इसको साइड कर दे रहा हूँ एंड देखते हैं। तो स्विमिंग स्टार्ट करने से पहले आप किसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा यहाँ खड़े होके इनहेल एक्सहेल करने के, वरना तो होता है कभी कभी नाक में पानी चला जाता है तो बहुत दिक्कत होगी फिर। जब प्रैक्टिस हो जाए देन स्विमिंग स्टार्ट करनी है। तो इस तरह आप लोग जो बॉडी डिसबैलेंस हो रही है जिसकी, वो स्नॉर्कल का यूज़ करके एक परफेक्ट फ्री स्टाइल कर सकता है। और इसको इसका एडिक्शन नहीं लेना है, बहुत लोग क्या करते हैं इसको ले लेते हैं और फिर इसी पे क्या करते हैं, इसी को लगाए रहते हैं हमेशा, तो इसको हमेशा नहीं लगाना है, इसको सिर्फ प्रैक्टिस में यूज़ करिए, देन इसको निकाल के नॉर्मल स्विमिंग भी करिए। ये सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग का जो स्ट्रोक है वो धीरे धीरे और इम्प्रूव हो जाए और मैच्योर हो जाए, देन आप ईजिली अपनी स्विमिंग और अच्छे से कर पाए। तो इसका यूज़ जिसको करना होगा वो इसका यूज़ कर सकता है
एंड अपनी स्विमिंग इंप्रूव कर सकता है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, जो बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है बहुत लोग की पुश करने पे, तो वो अब नहीं होगी। आप लोग ट्राई करते रहिए एंड स्विमिंग इंप्रूव हो जाएगी। थैंक यू।